हाँ जी, तो आज के हमारे जो डिटरमिनर हैं या एडजेक्टिव हैं वो है ईच और एवरी। अब देखिए, ईच और एवरी में एक माइनर डिफरेंस है जिसको हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। ईच सिंगुलर लिखा है हमने, ईच के बाद में एग्जांपल लिखा है ईच बॉय। अब दूसरी बात इसकी आती है, ईच जो यूज करेंगे फॉर टू और मोर देन टू नाउन फॉर पर्सन और थिंग्स, ठीक है ना। दो कम से कम, दो और दो से अधिक कितने हो सकते हैं। कई चीजें ऐसी होती है जो कंसेप्चुअली हम समझ पाते हैं कि उसमें दो ही पार्ट है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई मैंने रोड बना दिया, ये क्या बना दिया, रोड बना दिया, ठीक है ना। ये रोड है, ये रोड है। अब इस रोड के साइड कितनी, ये रोड है साइड कितनी इसकी, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या बात कर रहे हैं, रोड के कितने साइड होते हैं, बोलो। दो ही साइड होती है, दो हाँ टू साइड साइड्स हो गई, ठीक है ना। दो से ज्यादा साइड रोड की हो नहीं सकती। कोई ब्रिज है, रिवर है, तो उनके भी क्या होंगे, दो साइड होगी। मान लीजिए कोई पेरेंट है, उनके दो ही बच्चे हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने पॉलिसी अप्लाई किया, टू चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है ना। हाँ टू चिल्ड्रन पॉलिसी, चाइल्ड नहीं बोलेंगे, टू चिल्ड्रन पॉलिसी, ठीक है ना। तो दो बच्चे वाली पॉलिसी है, तो वहां भी हम क्या करेंगे, हम दो हमारे दो। तो दो का कंसेप्ट हमें वहां लिखा हुआ या कोई क्लियर वहां पे एग्जांपल हमें मिलता है, लिखा हुआ कोई नंबर मिलता है टू का, तो वहां हम फिर किसको यूज करेंगे, ईच को यूज करेंगे, एवरी को यूज नहीं करेंगे। दूसरा लिखा है एवरी, एवरी मीन्स भी सिमिलर होगा, एवरी स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल लिखा है इसका। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, यहाँ जैसे लिखा है फोर टू और मोर देन टू, लेकिन इसके लिए अप्लाइड क्या है, फोर मोर देन टू निश्चित है इसका, दो से ज्यादा की बात होगी। जैसे बुक्स की बात की मैंने, किसकी बात की, बुक्स, बुक्स इन अ लाइब्रेरी, इन अ लाइब्रेरी। अब यहाँ हमने इस कॉन्टेक्स्ट की बात की, बुक्स इन अ लाइब्रेरी। अब यहाँ बताओ क्या आएगा, ईच लिखेंगे या एवरी लिखेंगे, ईच लिखेंगे या एवरी लिखेंगे, बोलिए, एवरी आएगा, ठीक है ना। दूसरी बात हमारे पास आती है कि ईच और एवरी के साथ में ऑफ फ्रेज में आता है, ठीक है ना। ईच और एवरी के बाद क्या लिख रहे हैं, ऑफ लिख रहे हैं। तो ईच और एवरी के बाद यदि ऑफ आता है, तो ऑफ के बाद में यदि प्रोनाउन होगा, तो प्रोनाउन कौन सा होगा, प्लूरल प्रोनाउन होगा, और किस उसका होगा, ऑब्जेक्टिव केस, क्या होगा उसका, ऑब्जेक्टिव केस। अब प्लूरल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से हमारे पास में, कौन कौन से, जल्दी बोले, वी का क्या हो गया, अस, यू का क्या हो गया, यू, और थर्ड पर्सन में दी का क्या हो गया, दैट। ये तीन ही प्रोनाउन हमारे पास ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव केस में है और प्लूरल, क्लियर। इसके बाद यदि प्रोनाउन के प्लेस पे प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन के प्लेस पे क्या नाउन आ रहा है, तो नाउन आ रहा है, तो नाउन हमेशा क्या होगा, नाउन विल बी, है ना, प्लूरल, क्लियर। इसे क्या लिखा, ईच ऑफ या एवरी ऑफ, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल बोलिए, क्या लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, चिल्ड्रन लिख सकते हैं, या जो भी कोई हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन हो, प्लूरल नाउन होगा, उसको हम इस फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, ओके। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पर। हाँ जी, देखिए इनको एक्चुअली में जैसे यदि हम सब्जेक्टिव केस में यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट में लिखा है ना हमने, क्या लिखा, ईच बॉय लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है ईच बॉय लिखा। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट इस तरीके से आ जाता है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है, या एक बार भी लिख दिया हमने ईच तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, या एवरी बॉय, क्या लिखा, एक क्लास में बात कर रहे हैं या सोसाइटी में बात कर रहे हैं, एवरी बॉय एंड एवरी एवरी गर्ल, यहाँ लिखा एंड लिखा है, तो भी ये डिफरेंट डिफरेंट नाउन्स हैं, फिर भी हम इसके बाद में वर्ब, कैसी वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस में, तो वर्ब कैसी यूज करेंगे, बोलिए, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, वो किसके इम्पैक्ट से है, वो ईच और एवरी के इम्पैक्ट से, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन जो बनता है उसी की बात है, हम बात कर चुके हैं वैसे इसकी, लेकिन फिर इसको एग्जाम्पल में हम देखें। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर वन हमने लिखा है, शी हैज अ बुक इन ब्लैंक हैंड, बोलिए, ऑप्शन दिए मैंने ईच, एवरी, नन और एनी, ईच, क्योंकि हमें यहाँ पता लग रहा है किसी भी पर्सन के कितने हाथ होते हैं। अब वो एक्सेप्शनल केस है कि कोई दिव्यांग हो तो उसके एक ही हाथ हो, ठीक है ना, एक भी ना हो, ठीक है, लेकिन हम जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम क्या टू हैंड का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो क्या लिखेंगे, ईच, क्या लिखा है, शी हैज अ बुक इन हर, इन
इन ईच हैंड। और अगर ईच यहाँ पे नहीं दिया गया है और हर दिया गया है तो फिर क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे बुक, हर बुक, ठीक है, हर हैंड, ठीक है ना। सी हैज अ बुक इन हर हैंड, या फिर क्या लिखा है, सी हैज अ बुक इन ईच हैंड। अब यहाँ देखिए जो एग्जाम्पल हमें ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शन दिए उसी में से हमें जो बेस्ट आंसर है उसी को सिलेक्ट करना है। हाँ जी, ब्लैंक स्टूडेंट इन योर स्कूल कैन गिव आंसर क्लास, सॉरी इन योर क्लास कैन गिव आंसर टू दीज क्वेश्चंस। क्या होगा यहाँ पे? अब क्लास की हम बात कर रहे हैं तो क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे? मोर देन टू, बोलिए, मोर देन टू। तो मोर देन टू होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे एग्जाम्पल, क्या होगा आंसर यहाँ पे? एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास कैन गिव आंसर टू दीज क्वेश्चन। देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, शी हैड रेड ब्लैंक बुक बिफोर यू रीच्ड एट योर होम। हाँ, क्योंकि हमने मेंशन कर रखा है, पहले से मेंशन कर रखा है देयर आर टू बुक्स। अभी भी हमें कितनी दिख रही है वहां पे? दो ही दिख रही है। देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है ना। तो शी हैड रीड ब्लैंक बुक बिफोर यू रीच एट योर होम, क्लियर। तो क्या लिखेंगे बोलिए? हेलो, ईच, ईच होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैंक टीचर शुड टीच ब्लैंक स्टूडेंट विद पर्सनल अटेंशन इन द क्लास। अब कितने टीचर और कितने स्टूडेंट है? तो क्या होगा हमें? एवरी, मोर देन टू की बात कर रहे हैं। एवरी टीचर शुड टीच एवरी स्टूडेंट विद पर्सनल अटेंशन इन द क्लास। तो क्लास में हमें पर्सनल अटेंशन से स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। माई फ्रेंड विजिटेड मी ब्लैंक डे अ ईयर अगो। एवरी डे, सर क्या होगा? ईच डे भी लिखा। हाँ, हेलो, मोर देन टू डे होगा। हाँ, मोर देन टू डेज है ना, तो एवरी डे होगा ना, ई वी ई आर वाई, एवरी डे अ ईयर अगो। ब्लैंक मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी। Each होगा सर, ईच में। अच्छा, दो ही लोग हैं, दो की बात कर रहे हैं। सभी के लिए देखो, ईच लिख देंगे तो भी अगर ऑप्शन में हमें दिया, ऑप्शन जैसे मान लीजिए हमें यहाँ इस क्वेश्चन की बात है मैन वाले की, अगर यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है, यहाँ लिखा, अगर आपको ऑप्शन लिखा है ईच बोथ ऑप्शन लिखा है मैनी और डी ऑप्शन लिखा है नथिंग, ठीक है ना। अब यहां अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से मिले हैं तो फिर आप क्या करें? एवरी का तो ऑप्शन ही नहीं मिला और यहां दो डिजिट की मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं तो हम हर इंसान से तो उम्मीद करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि मैनी को यूज कर लेंगे वहां पे। हाँ, क्या यूज करेंगे? बोथ दो के लिए आता है, बोथ तो किसको यूज करेंगे बोलिए? ऑप्शन है, क्या होगा फिर? ईच ही होगा। हाँ, फिर ईच ही होगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं दिए मैंने आपको तो फिर यहाँ क्या, जनरल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? एवरेज, ठीक है ना। अगर कॉन्टेक्स्ट हमें बाउंड कर दिया यहाँ पे, जैसे ये ऑप्शन दे दिया यहाँ पे बाउंड कर दिया, इसके अकॉर्डिंग तो फिर हमें ईच ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट हमें दिया नहीं गया, ये ईच और एवरी दोनों दिए गए, ईच और एवरी दोनों दिए गए हैं, तो पहले हम किसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे? एवरी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी। नेक्स्ट, ब्लैंक ऑफ अस टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन एट होम। अब घर की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे घर की बात कर रहा हूँ, तो हम कितने पेरेंट हैं? पेरेंट्स में हम मदर फादर दोनों ही तो आ रहे हैं, तो दो ही लोगों की बात कर रहे हैं। क्या लिखेंगे बोलिए? हाँ जी, ईच ऑफ अस टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन एट होम। नेक्स्ट, ब्लैंक पेरेंट शुड हेल्प हिज और हर वार्ड इन स्टडी। अब यहाँ क्या होगा?
एवरी लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने मेरे घर की बात नहीं की, मैंने तो जनरल बात की है, तो क्या लिखेंगे एवरी, क्लियर। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि ईच को कहाँ यूज करेंगे और एवरी को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ओके सर, सर ये जो छह नंबर क्वेश्चन, हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड लिखे हैं ओरल और वर्बल। ओरल जो है उसका कॉन्टेक्स्ट किससे रिलेटेड है, स्पोकन से रिलेटेड है, जिसको हम बोल के बताते हैं बाय वर्ड विद माउथ। दूसरा वर्बल, वर्बल मीन्स रिटन फॉर्म है और उसको हम क्या यूज कर रहे हैं, कंसर्न विद वर्ड्स, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे हम इनके कुछ एग्जांपल्स की कि किस तरह से हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ जी, तो वर्ड्स की हमने बात कर ली, एडजेक्टिव की यहाँ पे ओरल और वर्बल की। माय फ्रेंड सेंड मी एन ब्लैंक मैसेज, तो क्या आएगा यहाँ पे, कोई क्लू मिला है क्या आपको? हेलो, माय फ्रेंड सेंड मी ब्लैंक, मी एन ब्लैंक मैसेज, क्लू मिला है सेंटेंस? तो वर्बल रिटन में क्या कोई क्लू मिला है क्या? यस सर, रिटन में मैसेज है तो वर्बल आएगा, या वर्बल आएगा। कहाँ लिखा हुआ रिटर्न में? फ्रेंड किया ना सर, उसने मैसेज अपने फ्रेंड को। ये तो मैसेज करने के सोर्सेस को एक से ज्यादा होते हैं। कोई क्लू है क्या सेंटेंस में, मैं ये पूछना चाह रहा था। ओरल आएगा, कैसे पता लगा? ओरल आएगा सर, एन लगा हुआ है ना, वो वहां तक तो दिमाग गया ही नहीं उनके पास, तो मोबाइल की बात की गई है, उन्होंने तो देखा। हाँ सर, ना आपके बर्थडे की बात चल रही है मैसेज में, ये बाद में बात करेंगे बर्थडे वर्थडे की, अभी ये हाँ बात कीजिए। माय फ्रेंड सेंड मी ब्लैंक मी एंड ब्लैंक मैसेज, तो क्लू क्या मिला आपको, क्लू क्या मिला यहाँ पे? एन लिखा हुआ है, आर्टिकल दिया गया, तो एन आर्टिकल ओरल के साथ आता है, वर्बल के साथ आता है, वर्बल के साथ आता है एन। तो फिर क्या लिखेंगे? नहीं एन तो नहीं लिख रखे हैं, आंसर क्या? एन ओरल मैसेज। देयर इज मच ब्लैंक डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट इन दीज बुक्स, इन दीज बुक्स, कोई क्लू मिला आपको? जी सर, क्या आपने हाईलाइट कर दिया ना? हाँ मैंने हाईलाइट कर दिया, तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे? वर्बल इज, हाँ जी, वी ई आर बी ए एल, वी ई आर बी ए एल, वर्बल, ठीक है ना। क्योंकि बुक की बात की जा रही है तो बुक में ऑलरेडी हमें पता है कोई भी बुक है वो ओरल में नहीं होती, वो हमेशा वर्बल में होती है। You should reply her in blank, not oral, to clear your views. Verbal. ठीक है, verbal हो गया। यहाँ क्या हो गया? Verbal. यहाँ आप difference समझ गए हैं कि एक ही sentence में हमने oral और verbal दोनों को use किया, ठीक है? और दूसरी बात है कि कहाँ हमने ओरल को यूज किया, कहाँ हमने वर्बल को यूज, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। हो सकता है मैसेज आपको किसी फ्रेंड ने, माय फ्रेंड सेंड मी एन ओरल मैसेज, तो वो किसी के थ्रू भेजा हो उसने किसी, कई बार हम नहीं करते क्या? सोसाइटी में भी तो बोला जाता है कि कोई समाचार है तो बता दो। हाँ पहले तो ये ओरल ही चलते थे, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई तो हम रिटन मैसेज को ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते। ओके,